आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर आरती। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो काफ़ी लेडीज़ चाहती होंगी, लड़कियाँ चाहती होंगी कि हम भी हाइलाइट्स करवाएं, लेकिन उसके पीछे एक मतलब डर भी होता है कि आप करवाएं या ना करवाएं, कहीं हमारे बाल डैमेज हो जाएं ना हो जाएं, और कैसे क्या होगा आगे, और किससे करवाएं, कहाँ से करवाएं। तो इसके लिए ये वीडियो बना है और लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप घर पे ही देखें कि आपके बाल हैं कैसे, आपके बालों का टेक्सचर कैसा है। जैसे मेरे बाल खुद हैं, मैंने भी खुद में हाइलाइट्स करवाई हुई है, लेकिन मेरे बाल ज़्यादा पतले हैं और मेरा बाल जो है, एक बाल होता है वो काफ़ी पतला है और इतने हल्के भी हैं थोड़े। तो फिर मैंने करवाई क्योंकि मुझे था कि हाँ मुझे करवानी है और आजकल ट्रेंड में भी है। तो फिर आप भी करवा सकते, पहले तो आप अपने बालों का टेक्सचर ही देखें कि कैसे हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब करवाने चाहिए, अगर आपका बाल मोटा हो और हेल्दी हो तो ये आपको करवाने चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम होती क्या है कि आपके बालों में जब वो हमारे हाइलाइट्स करते हैं तो वो काफ़ी केमिकल यूज़ करते हैं और वो केमिकल हमारे बालों को डैमेज कर देता है और काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे बालों के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए क्या कि किसी भी अच्छे से सैलून में करवाएं, अगर जब भी करवाएं आप हाइलाइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है। उसके बाद सेकंड आपको करना क्या है कि आप किसी भी अच्छे से सैलून में जाएं, वहां पे आप करवाएं, और उसके बाद भी आप उन्हें चेक करवाएं कि हाँ हमारे बालों में कैसा है, कैसे रह सकता है, कहीं ज़्यादा डैमेज तो नहीं होंगे जो भी है। और उसके बाद वो करते हैं, हमारे जो हाइलाइट्स करते हैं 20 और 40 वॉल्यूम जो डेवलपर होता है वो यूज़ करके करते हैं। आप कोशिश करें, उन्हें बोलें कि हमारे 20 वॉल्यूम डेवलपर में हमारे हाइलाइट्स करें, जिससे वो अच्छे मतलब हमारे बाल इतने डैमेज नहीं होते हैं। और उसके बाद क्या है, किसे ये करवाना नहीं चाहिए, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल्स यूज़ होते हैं और जो मतलब हमारे माउथ के थ्रू और कैसे भी हमारे बच्चे को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये करवाना नहीं चाहिए। और आपको करवाने के बाद क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, आपको करवाने के बाद अपना मंथ में और वीकली मतलब जो भी उनके अकॉर्डिंग जो आपको सैलून वाले बताते हैं, बाकी आपको करना क्या होता है, बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, नहीं तो आपके बाल बहुत ही डैमेज और बहुत ही रफ हो जाते हैं। एक बार मैंने इससे पहले जब करवाई थी मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। केयर इन द सेंस आपको अच्छे मतलब जल्दी से जल्दी आपको हेयर स्पा करवाना पड़ेगा, और काफ़ी जैसे इसका अलग से आपको शैम्पू आता है, अलग से जो आपका कंडीशनर आता है तो आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको सैलून वाले रिकमेंड करेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा आपके हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी केयर करनी पड़ती है बालों की, नहीं तो आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म इन द सेंस कि कम हो जाएंगे। यस गर्ल्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ हेल्प मिली हो अपने हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग, और तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आने वाले वीडियो। टिल देन बाय।